गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। हमारा ये डेली ईयर ट्रेनिंग क्विज बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। कई सारे ग्लोबल संगीत प्रेमी ये बजते सुरों को पहचानने की कोशिश करने लगे हैं, कोई कोई कामयाब भी हो गए हैं। संगीत अभ्यास में ईयर ट्रेनिंग का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में दिए गए मेथड से आपको आपका रिलेटिव पिचिंग परफेक्ट होने में मदद की जा रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर बजाए गए सुरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप में डेडिकेशन, परसिस्टेंस, ये दो क्वालिटीज अगर हो तो आप बहुत जल्द सारे सुरों को पहचानने लगोगे। तो लीजिए, कीजिए कोशिश। बजते हुए सा के बाद जो स्वर बजे हैं उन्हें पहचानिए। ये है काली चार के खर्ज के प से लेकर तार सप्तक के प तक के सारे सुर। प ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, सा रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, सा रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प। अब सिर्फ सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये शुद्ध स्वर सुनिए। आपको जो स्वर पहचानना है वो पहचानने में आप ये जब पट्टी मन में गाओगे तभी वो आप स्वर आसानी से पहचान सकोगे। इसलिए सुनिए ये स्वर मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक सारे शुद्ध स्वर। सा के बाद बचता एक स्वर पहचानिए। फिर से सुनिए। और एक बार सुनिए। अब सा के बाद बचते दोनों सुर पहचानिए। फिर से सुनिए। और एक बार सुनिए। क्या आप पहचान पाए ये स्वर? ये सुर है सा के बाद बचता एक सुर जो है वो है खर्ज का निशुद्ध, लोअर निशुद्ध। सा के बाद दो स्वर जो बजे हैं वो है शुद्ध और मोतीवरा।
इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।